राशि चक्र में कर्क राशि चौथे नंबर पर आती है और इस राशि का चिन्ह केकड़ा होता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। इस राशि के व्यक्ति बहुत ही होशियार होते हैं और इनको यात्रा करने का बहुत शौक होता है। कर्क राशि के जातकों की कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति बहुत ही तेज होती है। इनमें दृढ़ संकल्प शक्ति कमाल की होती है। ये अपने जीवन के अनुभवों को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। स्वभाव से कर्क राशि के जातक बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं और इनको कभी कभी समझ पाना मुश्किल होता है। अगर आपकी राशि कर्क है और मन में ये सवाल घूम रहा है कि 2019 के इस अप्रैल महीने में आपका आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, कैरियर और प्रेम जीवन कैसा रहेगा, तो अब चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वैदिक ज्योतिष पर आधारित हम आपको राशि चक्र के इस महीने की बताने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा अप्रैल महीना कर्क राशि वालों के लिए। आर्थिक स्थिति अप्रैल महीने में व्यापार व्यवसाय के लिए उत्तम रहेगा। आमदनी के लिए किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे। व्यापारी वर्ग अप्रैल महीने में नए कार्यों में निवेश न करें तो ही अच्छा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले साल के मुकाबले बेहतर रहने के संकेत हैं। काम धंधे में बढ़ोतरी होने से आपकी आमदनी में इजाफा संभव है। आपके पूर्व निर्धारित काम पूरे हो जाएंगे। अगर आर्थिक मामलों से जुड़े मसलों पर आप कोई बिना सोचे समझे कदम उठाएंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए कोई भी छोटे से छोटा फैसला लेते समय आप सतर्क रहें। पारिवारिक जीवन अप्रैल महीने में आप विवेक का इस्तेमाल करके अपने सभी पारिवारिक कार्यों में सफलता पाएंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए पूरा साल बहुत ही अनुकूल रहेगा। अप्रैल में वैवाहिक जीवन में थोड़ी अशांति रह सकती है। नए दोस्त बनेंगे और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। भाई बहनों से मन मुटाव हो सकता है। संयम से काम लें। इस महीने आप नए मकान का निर्माण भी करवा सकते हैं। आपके माता पिता खुश रहेंगे और उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा, जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने लंबी दूरी की यात्रा करने से आप थोड़े असहज महसूस कर सकते हैं। कुछ छात्रों को शारीरिक परेशानियां रहेंगी। अत्यधिक मसालेदार और गरिष्ठ भोजन खाने से बचें। नियमित जीवन शैली का पालन करें और रोग शुरू करें। इस महीने में मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि बेवजह की बातों की अधिक चिंता न करें। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जोखिम लेने से बचें। चोट लग सकती है। अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। सर्दियों के मौसम से होने वाली बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। प्रेम जीवन अप्रैल में अविवाहित लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस महीने प्रेम में सफलता मिलने के पूरे संयोग बन रहे हैं। इस महीने आपके अंदर प्रेम की भावनाएं बढ़ेंगी और आप इन भावनाओं को लव पार्टनर के साथ शेयर भी करेंगे। कठिन समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रेमी के साथ कोई आनंददायक यात्रा आपका इंतजार कर रही है। प्रेमी जोड़े एक कदम आगे बढ़कर अपने रिश्तों को नई मजबूती देंगे। नवंबर में जीवन साथी से किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की संभावना है। करियर अप्रैल महीने में नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। अप्रैल में नौकरी करने वाले अपने व्यर्थ की भाग दौड़ में लगे रहेंगे। स्टूडेंट्स को मेहनत से ही सफलता मिलेगी। व्यवसाय करने वाले लेन देन सामान्य रखें। इस महीने के मध्य में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपको अपनी नौकरी व्यवसाय में अधिक परिश्रम और संघर्ष करना पड़ सकता है। छात्रों को शिक्षा में खास उपलब्धि हासिल होने के संकेत हैं। जो युवा इंजीनियरिंग, मेडिकल, कांस्टेबल जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस महीने में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। वैदिक उपाय घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं और नियमित रूप से इसे जल दें। इससे आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी और घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी।
इसके अलावा सोमवार मंगलवार को भगवान शिव जी और हनुमान जी की पूजा अर्चना करना आपके लिए खास लाभकारी रहेगा। शुभ रंग। कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने बहुत ही शुभ रहने का संकेत दे रहे हैं। इस अवधि में आपकी आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस महीने नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले नीले रंग के वस्त्र को धारण करें, इससे उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।